हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है और गर्मा गर्म पकौड़े खाना किसको पसंद नहीं होता। तो आज मैं कच्चे आलू के लच्छेदार स्पेशल पकौड़े बनाना बताऊंगी। इसी के साथ मैं बताऊंगी दही की चटनी बनाना, जिसका फ्रेंड्स पकौड़े के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये दही वाली चटनी के साथ पकौड़े। तो चलिए शुरू करते हैं पकोड़े की रेसिपी बनाना। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखें। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या सामग्री ली है। तो सबसे पहले ये मैंने 3 आलू लिए हैं, बड़े बड़े आलू हैं। ये मैंने नए वाले आलू लिए हैं और ये मैंने बारीक धनिया कट कर लिया है आधा कप के करीब। ये मैंने 4 हरी मिर्च बारीक कट कर ली है। ये मैंने अदरक और लहसुन का को कद्दूकस कर लिया है या दरदरा कूट भी सकते हैं। मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच मैदा का आटा लिया है। आप मैदे की जगह बेसन या गेहूं का आटा भी ले सकते हो। कॉर्नफ्लोर इसलिए ले रहे हैं हम कि इसमें बाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा कुरकुरापन आएगा। ये चटनी के लिए मैंने हरा धनिया, 3 लहसुन की कलियाँ, 1 अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च। ये मैं बाद में चटनी बनाना बताऊँगी, पहले मैं आलू को हमें क्या करना है ये बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें आलू को छील के पानी में डाल देना है, ऐसे नहीं छोड़ना। अगर हम पानी में नहीं डालेंगे तो आलू पूरे काले हो जाएंगे, कलर अच्छा नहीं आएंगे, पकौड़ी में भी अच्छा कलर नहीं आएगा। तो हमें जब भी आलू या सब्जी जब भी बनाए हमें पानी में ही डाल के इनको कट करना चाहिए। तो हम इसको छील के पानी में डाल देते हैं। तो ऐसे ही मैं सारे आलू को कट कर लेती हूँ, छील लेती हूँ, सॉरी। तो देखिए मैंने आलू को छील लिया है और इस पानी में हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो ये मैंने मोटे वाला कद्दूकस कर लिया, इससे बारीक मत लेना। अगर आपके पास इससे भी मोटा है तो उसी से करना, उससे क्या होगी लच्छे बहुत ही अच्छे बनेंगे मोटे मोटे। तो हमें ऐसे लंबे साइड से आलू को कद्दूकस करना, ये देखिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस साइड से हमें लंबा, तो हमारे लंबी लच्छेदार लंबे लच्छेदार बनेंगे, देखिए लंबे लंबे लच्छे बनेंगे, देखिए। तो मैं ऐसे ही सारा आलू को कद्दूकस कर लेती हूँ। अगर सारा बताऊँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको कद्दूकस करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी को कद्दूकस कर लिया है और पानी में मैंने भिगो दिया इसको। तो अभी हम इसको 2-3 बार साफ पानी से निकाल लेते हैं, जिससे इसका पूरा कालापन निकल जाएगा और एकदम वाइट हो जाएंगे। तो हम फ्राई करेंगे तब भी ये ब्राउन ब्राउन नहीं होंगे, बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो ये साफ पानी में हमें 2-3 बार अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह का ये पानी हो गया है। तो अभी मैं एक बार और निकाल लेती हूँ इसको। पहले इसमें मैं नमक डाल के इसको थोड़ा 5-6 मिनट छोड़ दूंगी, जिससे क्या होगा इसका पूरा कलर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम नमक में डुबो के छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके हम हाथों से मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा एक तो ये नमकीन हो जाएंगे अंदर से और ऊपर से इसका जो कालापन है वो सारा ऊपर आ जाएगा, निकल जाएगा पानी से। अभी मैं आपको चटनी बनाना बताती हूँ, जब तक वो नमक में 5-6 मिनट डुबो के रखेंगे लच्छेदार को आलू को। तो जब तक आलू के लच्छे पानी में हमने नमक वाले में डुबो के रखा, तब तक चटनी बताती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने हरा धनिया लिया है, ये दिख नहीं रहा, ये मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, ये 3 लहसुन की कलियाँ ली है मैंने, और ये 2 हरी मिर्च ली है। आप तीखेपन के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। अभी हम इसमें डाल देंगे दही, दही आधा कटोरी के करीब डाल देंगे। ये मैंने नमक ले लिया, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हो। अभी मैं दही डालूंगी, दही वाली चटनी का कॉम्बिनेशन सच में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे पकोड़े के साथ बहुत ही अच्छी ये चटनी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने 4 चम्मच दही के डाल दिए हैं इसमें और इसको देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे, मैं पास से दिखाती हूँ। वो बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी बनी है।
आप ज़रूरी नहीं है कि इनको पकोड़े के साथ भी खाओ, किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हो, समोसे के साथ, किसी के भी साथ। बहुत ही ये टेस्टी लगती है चटनी। अभी हमारे इसको 6-7 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम इनको निचोड़ के निकाल लेते हैं। तो ऐसे दोनों हाथों से हमें पानी दबा के पानी निकाल देना है, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, हम जैसे कॉर्नफ्लोर का आटा और मैदे का आटा डालेंगे तो हमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा अगर हम अच्छे से पानी निकाल लेंगे। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो आलू का टेस्ट नहीं आएगा, बस आटे का ही टेस्ट आएगा। तो इसलिए हमें पानी पूरा निचोड़ के निकाल देना है, जिससे बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा ही आटा डालना पड़े। तो देखिए ऐसे हम सारे आलू के लच्छे को निचोड़ लेते हैं। तो इसमें कोई भेद नहीं है, बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। तो ये देखिए पूरा पानी निकल चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी हम सबसे पहले इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अभी हम साथ में डाल देंगे ये 4 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने तीखेपन के हिसाब से। हम रेड मिर्च नहीं डालेंगे इसमें, नहीं तो रेड कलर आएगा। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने। ये दरदरा कूट सकते हो या इसको कद्दूकस भी कर सकते हो आप। ये मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है 3 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है और कुरकुरापन आता है इसमें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप राइस का आटा भी डाल सकते हो। ये मैंने 3 चम्मच ही मैदा लिया है, इसकी जगह आप गेहूं का आटा या बेसन भी ले सकते हो। अगर आपके पास बाय चांस मैदा नहीं है तो आप बेसन से भी बना सकते हो, गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। और ये मैंने 1/2 चम्मच नमक का लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि हमने लच्छे में भी नमक डाल के भिगोया था, वो भी नमकीन हो गए हैं। अभी हम इसमें पानी कुछ नहीं डालेंगे, इसी से हम इसका रेडी करेंगे, मिक्स कर देंगे इसमें। तो हमें इसमें जैसे पानी पूरा निचोड़ लिया था, तो बाइंडिंग के लिए हमें ज़्यादा आटा नहीं डालना है। अच्छे से देखिए हो गया है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग हो गई है। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है फिर, आपस में जुड़ना। तो ये एक दूसरे में जुड़ चुके आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए अच्छे से इसमें बाइंडिंग हो गई, आप देख रहे होंगे अच्छे से मिक्स हो गए, एक दूसरे में जुड़ चुके हैं। तो हमें ज़्यादा आटा नहीं डालना है। अभी मैं आपको बताती हूँ ऐसे इसको लेके और अंगुली की सहायता से ऐसे आपस में मिक्स करके थोड़ा सा ऐसे कर देना, शेप दे देना है, जिससे क्या होगी लच्छे एक दूसरे में जुड़ जाए। देखिए इस तरह हमें बना लेना। इसमें हमने ज़्यादा आटा नहीं डाला है, क्योंकि इसमें हमें आलू का ही टेस्ट चाहिए। अभी ये मैंने कढ़ाई लिया, इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है। इसको ये गर्म भी हो चुका है, तो इसमें हम ये डाल देंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक से डालना है, नहीं तो हाथ जलने का डर रहता है फ्रेंड्स। बहुत ही ध्यान से हमें डालना है इसमें। देखिए ऐसे थोड़ा सा उंगली से एक दूसरे लच्छे को दबा देना, जिससे ये अच्छे से हो जाएंगे। और ये इसको हम पलट देंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बाहर से इतना क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। तो एक बार सर्दियों में ज़रूर बना के खाएं आप इसको। बारिश के मौसम में कभी भी आपका मन करे तब खा सकते हो। तो देखिए हम ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं होने देंगे, बस इसी इस तरह का कलर चाहिए। और फ्रेंड्स एक बात और बता रही हूँ मैं आपको, गैस को हमें लो फ्लेम में बिल्कुल नहीं रखना है, मीडियम में रखना। अगर लो फ्लेम में हम रखेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल पिएगा पकोड़े, तो वो अच्छा नहीं होता। अगर मीडियम फ्लेम में हम रखेंगे तो ऑयल कम ही जाएगा आलू में, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना है, बस थोड़े से हमें बना लेना है। बस इनका ऊपर से कच्चा ना रहे, देख पा रहे होंगे इस तरह का ही हमें कलर चाहिए। और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार इनको बना लिए तो सच में ही आप बार बार बनाने की कोशिश करोगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ये सर्दियों में हेल्दी होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे हम सारे पकोड़े बना लेंगे। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह इसको डालना है। तो ये देखिए इस तरह हमें छोड़ देना है बहुत ही हल्के हाथों से।
ऊपर से बिल्कुल नहीं डालना है, बहुत ही आराम से हमें ऐसे ये डाल देना है। ऐसे ही हम सारे पकोड़े रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में ही। इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने आलू को 2-3 बार पानी में डुबो के रखा था, 10 मिनट भी इसको नमक के पानी में डुबो के रखा, तो इनका सारा कालापन चला गया है। तो ये देखिए एकदम वाइट वाइट पकौड़े बन के रेडी हुए हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमने दही वाली चटनी बना दी है, तो इस चटनी के साथ पकौड़ा का बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है, टेस्टी लगती है चटनी के साथ पकौड़े, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये चटनी बनाना भी बहुत आसान है, और इसके साथ अगर आपने एक बार पकोड़े को खा लिया चटनी के साथ, तो सच में ही आप यही बार बार बनाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।